Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको Samsung Galaxy F22 के pros and cons के बारे में बताने वाला हूँ। So guys, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस फ़ोन में क्या pro feature है एंड क्या con feature है। So चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसमें जो है वो प्रो फीचर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जो प्रो फीचर मिलता है वो आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन है। अगर गेमिंग वगैरह करेंगे तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो है आपको काफ़ी स्मूथ फील कराएगा और डे टू डे यूजेज में जो है वो आपको काफ़ी स्मूथ जो है वो लगेगा आपको ये फ़ोन। और दूसरा प्रो फीचर है इसका बैटरी, तो जो बैटरी जो है वो इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी दिया गया है। और तीसरा प्रो फीचर इसका है कैमरा, तो कैमरा भी आपको जो है वो इसमें सही मिल जाता है। 13 megapixel का सेल्फी कैमरा और 48 megapixel का रेयर एंड 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 2 megapixel का माइक्रो एंड 2 megapixel का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा लगाया गया है। तो कैमरा भी जो है वो इसमें सही दिया गया है प्राइस के हिसाब से। और चौथा फीचर है इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर से जो है वो इसका फ़ोन भी ओपन होगा। और दूसरा, इसमें जो सैमसंग पे मिनी ऐप है उसको भी आप जो है वो इसी ऐप से जो है वो ऑथेंटिकेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्रो फीचर है इसके। अब कॉन्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले कॉन है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसका रिजोल्यूशन है 1600x720। और जो दूसरा इसका कॉन है वो है इसका MediaTek का प्रोसेसर। इस प्राइस रेंज में आपको जो है वो Redmi Note 10 जो है वो Snapdragon 678 का प्रोसेसर प्रोवाइड कर रही है, बट यहाँ पे Samsung जो है वो आपको MediaTek का Helio G80 जो है वो प्रोसेसर प्रोवाइड कर रही है इस प्राइस रेंज में। और तीसरा कौन है इसका चार्जर, 6000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए 15W का ही फास्ट चार्जर दिया गया है सैमसंग की तरफ से, जबकि Redmi Note 10 जो है वो आपको 33W का फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे इसको चाहिए था कि कम से कम 30W या 25W तक के फास्ट चार्जर को प्रोवाइड करना, बट यहाँ पे 15W का फास्ट चार्जर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपको टाइम लग सकता है इसको चार्ज होने में। और चौथा इसका कौन है इसका प्राइस, तो प्राइस जो है वो 4GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 12,499 rupees। सो जैसा कि इसका देखा जाए कि अगर HD प्लस डिस्प्ले, 15W का फास्ट चार्जर जो है वो दिया गया है और इसमें MediaTek का Helio G80 का प्रोसेसर, तो ये सब देखते हुए इसका प्राइस एटलीस्ट अंडर 10,000 होना चाहिए था। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।